दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 18x20 हाउस प्लान, जो कि एक छोटा हाउस प्लान है 360 स्क्वायर फीट का। ये प्लान है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई है 20 फीट और लंबाई है 18 फीट। यहाँ पे मैंने वॉल यहाँ पे ब्लू कर दिया है, कलर कर दिया है, जो कि आपको 9 इंच का वॉल रहेगा बाहर का। और मैंने विंडो का यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है विंडो, और वहाँ पे एंट्री रहेगी आपकी। यहाँ पे आपको डाइनिंग और लिविंग हॉल मिल जाएगा। यहाँ से आपको किचन का डोर और बेडरूम का डोर मिल जाएगा। यह किचन का डोर फ्रेंड्स, वीडियो में जहाँ भी डी लिखा होगा वहाँ पे डोर आपका दरवाज़ा होगा। अब यहाँ पे साइज देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है ये है बेडरूम का डोर, और यहाँ पे 10 फीट लंबाई है बेडरूम की, चौड़ाई 9 फीट है। यहाँ पे एक विंडो है और बगल में एक विंडो, बेडरूम में 2 विंडो है। ये टॉयलेट का डोर है 6 फीट 9 इंच का टॉयलेट है आपका। और यहाँ टॉयलेट में एक वेंटिलेशन का विंडो रहेगा। डाइनिंग हॉल और लिविंग हॉल में एक विंडो लगा सकते हैं। टॉयलेट की लंबाई रहेगी 7 फीट यहाँ पे, और चौड़ाई 9 फीट। और यहाँ पे वेंटिलेशन टॉयलेट का लगेगा। यहाँ पे देखिए, बेडरूम में एक विंडो है और लंबाई है 10 फीट, चौड़ाई 9 फीट। किचन में एक विंडो है यहाँ पर, उसकी चौड़ाई 8 फीट है, लंबाई 6 फीट 1 इंच। कॉलम पोजीशन यहाँ पे ऊपर 3 कॉलम हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे एक कॉलम और देना पड़ेगा, टोटल 10 कॉलम रहेंगे। फ्रेंड्स, एक कॉलम इधर रहेगा। अब आपके 10 कॉलम पूरे हो गए टोटल। कॉलम का साइज रहेगा 9x9 इंच। यहाँ पे फुटिंग भी लिख दिया है, और बिल्डिंग का कॉस्ट है 4.5 लाख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी साइज मैंने लिख दिया है, किचन का, टॉयलेट का, लिविंग एंड ड्राइंग का, बेडरूम का, यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने साफ साफ लिख दिया है। टॉयलेट में वेंटिलेशन 14x14 इंच का होता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि और सारे हाउस प्लान नए नए डिजाइन वीडियो मिल सके। बेडरूम का विंडो जो है उसका साइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5x4 फीट विंडो का साइज। यह आपका किचन का 3x3 फीट विंडो साइज। ताकि आपको समझने में आसानी हो 18x20 360 स्क्वायर फीट। यहाँ पे जहाँ पे डी लिखा हुआ वहाँ पे डोर है, दरवाज़ा है।